हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे हम सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे, और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दो तरीके अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरे में हमने डिस्कस किया है शॉर्टकट मेथड। आज की क्लास में भी मैं आपको शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके समझा दूंगी, दिखा दूंगी। और आपको करना ये है कि जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये आप सीख लो, एंड देन आपके पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हों जहाँ कहीं पर भी मिल जाएं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फार्मूला वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है कि शॉर्टकट मेथड में क्या फार्मूला यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। आज की क्लास में मैं आपको उन फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। हालांकि एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, सॉल्व किया है, तो हम लोग काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, बट दो तीन क्वेश्चंस और कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि हमें ये मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज की क्लास को, जहाँ पे हम सिंपल अर्थमेटिक मीन का ही कैलकुलेशन देख रहे हैं। और ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको लिखते नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे मैं बुक से बता रही हूँ आपको, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा गिवन है और उसमें से आपको कहा जा रहा है कि आप निकाल लीजिए अर्थमेटिक मीन को, जहाँ पे एक तरफ वेजेस दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस है 20, 25, 30, 40, 42 and 50। नंबर ऑफ वर्कर्स है 4, 6, 10, 5, 5 and 10। दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ गिवन, और अब इसमें से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं अपने अर्थमेटिक मीन को। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले आप सॉल्यूशन करोगे, और सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स बनाते हैं सो दैट कि हमारा हाफ कैलकुलेशन जो है वो हो जाए आपके टेबुलर फॉर्म में ही, एंड देन फॉर्मूले में हम सिंपली उसको पुट करके वैल्यूज़ को और अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने होते हैं 4, जहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम बन रहता है आपका, उसमें हम नोट कर लेते हैं जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनको, यानी कि एक्स। तो वेजेस यहाँ पे है दिया हुआ, उसको हम एक्स मान लेंगे और वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सो 20, 25, 30, 40, 42 and 50। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो ये हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हुए इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे एज पर द वैल्यूज जो गिवन है, सो 5, 5 और 10। सबसे पहला स्टेप सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का है, तो हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सारे फ्रीक्वेंसीज को सिंपली ऐड कर लेंगे। 6 एंड 4 10 प्लस 10 20 प्लस 5
25 प्लस 5 30 और प्लस 10 तो हो जाएगा टोटल 40। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, तो शॉर्टकट मेथड, जहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड को कहते ही है हम अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक वैल्यू होगा उसको मीन मान लेना है, उसको अज्यूम कर लेना है एज मीन, और वो आपका अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। एक्स सीरीज में किसी भी एक वैल्यू को आप मीन मान लो, जनरली मिडिल वैल्यू को हम मान लेते हैं, सपोज 30 को हमने यहाँ पे मीन अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब 30 है आपका मीन वैल्यू, अज्यूम्ड मीन, तो नेक्स्ट आप निकालोगे क्या, डेविएशन, और डेविएशन कैसे निकलेगा, तो एक्स माइनस ए, एक्चुअल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड वैल्यू, जहाँ पे ए बराबर आप ले रहे हो 30। अब हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, एक्स माइनस ए करो, एक्स का फर्स्ट वैल्यू है 20 और उसमें आप घटा दो किसको, 30 को, और ऐसा करते हुए आप डेविएशन के वैल्यूज को निकाल लेंगे, तो 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 10, 25 माइनस 30 माइनस 5, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, 42 माइनस 30 प्लस 12 एंड 50 माइनस 30 प्लस 20। डेविएशन के निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के साथ गुना करेंगे और प्रोडक्ट वैल्यू को यहाँ पे लिखते जाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी f एंड डेविएशन है d, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 40, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, 10 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 हो जाएगा आपका 50, प्लस में 5 इंटू 12 तो हो जाएगा 60, प्लस 60 10 इंटू 20 तो हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में करना होता है सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जिसको मल्टीप्लाई करके निकाला है फ्रीक्वेंसी विथ डेविएशन, तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लो आप, माइनस 40 माइनस 70 तो हो जाएगा टोटल में माइनस 70, और इस सब को जोड़ लो तो 50 और 60 110 और 200 तो हो जाएगा आपका 110 और 200 तो हो जाएगा 310। अब 310 में 70 को घटा दो तो आता है आपका 240। नाउ हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूले को, और फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ वगैरह को पुट करेंगे और निकाल लेंगे अर्थमेटिक मीन। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड द फॉर्मूला इज, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देख लोगे, फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f, ये आपका वैल्यू हो जाता है किसका, तो अर्थमेटिक मीन का। आपके पास सारे वैल्यूज हैं, यू हैव a, आपके पास है सिग्मा एफ डी, आपके पास है सिग्मा f, तो अब आप क्या करोगे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इनटू दी फॉर्मूला एंड वी गेट, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, तो x बार बराबर a का वैल्यू कितना है हमारा, देखो 30 प्लस सिग्मा एफ टी कितना है देख लो, तो वैल्यू है आपका 240 अपॉन सिग्मा एफ कितना है देखिए 40। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो 30 प्लस, जब आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे इसको, 240 को 40 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, और 30 प्लस 6 करोगे तो आएगा 36, एंड दिस इज योर वैल्यू, और आप कह सकते हैं कि ये है आपका एवरेज वेज, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो, और हमारा आंसर निकल के आता है कितना, तो आंसर है आपका 36। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और निकाल लिया अर्थमेटिक मीन,
इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। कंफ्यूज नहीं होना है कि x क्या होगा, f क्या होगा, अज्यूम्ड मीन क्या हो सकता है। देखो मीन को कोई भी वैल्यू को तुम अज्यूम्ड मीन मान सकते हो, मतलब किसी भी एक वैल्यू को आप मीन अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और आप जो भी वैल्यू को मीन मानेंगे आपका जो आंसर होगा वो सेम आने वाला है अगर आप तरीका सही अपनाते हैं तो। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जहाँ से हमारा ये मेथड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और फिर हम अगले मेथड से क्वेश्चन का कैलकुलेशन सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ही। ये तो दूसरा मेथड है, अभी तीसरा मेथड भी देखेंगे हम लोग और फिर एक साथ हम लोग तीनों ही मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हालांकि देख चुके हैं वन बाय वन करके, एक बार रिवीजन करके हम लोग टॉपिक को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग टेबल, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन by using shortcut method. So हमारे पास value दिया हुआ है, salaries है given और दिया हुआ है workers, number of workers दिया हुआ है, salaries जो है वो दिया हुआ है in rupees. Now value is 50, 55, 60, 70 और 85 और वर्कर्स का नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। ओके देन, सो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास गिवन और इसमें से हमें शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है। सेम तरीका अपनाते हुए हम चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और क्या करने के लिए कहा है आपको, कैसे सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हुए हम पहले बना लेंगे कुछ कॉलम्स। फर्स्टली वी हैव टू मेक सम कॉलम्स, कितने भाई, तो शॉर्टकट मेथड में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम बनाते हैं 4। चार कॉलम्स को क्रिएट करते हुए दो कॉलम्स में तो हम सिंपली पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन वैल्यूज में से हम पहले एक को एक्स और अगले को एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी मानेंगे और वैल्यूज को हम उतार लेते हैं। अब देखो सैलरीज गिवन है, साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको गेस करना होता है कि ये सैलरीज है तो ये एक्स हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स है तो इसको हम एफ मान लेंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो सैलरीज को यहाँ पे हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम एफ यहाँ पे मान लेते हैं। सैलरीज जो दिया हुआ है वो वैल्यू है 50, 55, 60, 70 और 85। ओके, फ्रीक्वेंसीज के तौर पर 50 है सैलरी कितना, एक वर्कर का, 55 है दो वर्कर का, ठीक उसी तरह से 60 है 3, 40, 70 है 4 और 85 है आपका 5।
अब क्या करेंगे? कि सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ निकालना होता है हमको, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जितनी भी दी हुई हैं उनको सिंपली ऐड करते हैं, तो सिग्मा एफ निकल आता है 5493। कितना हो जाएगा आपका? 5 और 4 एंड 1 5 10 और 3 एंड 2 5 15। टोटल हो गया आपका 15। ओके, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है? तो अगला स्टेप हम डेविएशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डेविएशन को? याद करो, एक्स माइनस ए, ए क्या है? ए है हमारा अज्यूम्ड मीन, जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं कहाँ से? एक्स सीरीज में से। अब इसमें आप कोई मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी वैल्यू को अज्यूम करोगे तो, बट जनरली मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लिया जाता है। इसका कोई एज सच कह सकते हो कंडीशन नहीं है, बट हम मान लेते हैं, ठीक है? तो 60 को यहाँ पे मैंने मीन अज्यूम कर लिया है। तुम किसी भी अदर वैल्यू को मीन मान लो और देख लेना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो ए बराबर यहाँ पे हमने ले लिया है 60। ओके, नाउ अब वैल्यूज को हम निकालेंगे डेविएशन कैसे। तो 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा? -10। 55 माइनस 60 कितना होगा? -5। 60 माइनस 60 0। 70 माइनस 60 हो जाएगा आपका +10। 85 माइनस 60, तो 85 माइनस 60 करोगे तो वैल्यू आएगा आपका कितना? +25। क्लियर है? डेविएशन निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? तो अगले स्टेप में जो डेविएशन निकालते हैं और जो एफ फ्रीक्वेंसी होता है, इन दोनों को हम सिंपली गुना करते हैं और प्रोडक्ट को यहाँ पे इस कॉलम में हम लिखते हैं। तो देखो, 1 इंटू -10 कितना हो जाएगा? -10। 2 इंटू -5 -10। 3 इंटू 0 0। 4 इंटू 10 +40। 5 इंटू 25 +125। और फिर अगले स्टेप में आपको करना है सिग्मा एफ डी, जो आपने गुना किया है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को, उन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे लिख लेना है, इसका सम कर लेना है। सम कर लो तो -10 -10 -20, और प्लस प्लस वाले वैल्यूज़ को आप जोड़ लो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 4 और 2 6 और 1 165 में 20 जाएगा तो बचेगा 5 4 1 145, और वैल्यू होगा प्लस में बिकॉज 145 पॉजिटिव था, और वैल्यू बड़े वाले का असाइन जो है वो बड़े वैल्यू का लगता है इसी वजह से। अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है ऑलमोस्ट सब कुछ। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमारा यहाँ पे निकल चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो अगले स्टेप में। हेयर वी हैव ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है? 60। सिग्मा एफ बराबर कितना है? 15। सिग्मा एफ डी बराबर कितना है देखो तो? 145। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। एंड द फॉर्मूला इज शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आपके पास सारे वैल्यूज हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? पुटिंग ऑल दी वैल्यूज into the formula and we get, और देखो क्या मिलता है। तो x bar बराबर a कितना है हमारा? 60 plus sigma fd कितना है देखो तो? 145। sigma f कितना है? 15। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 5 से आप इसको डिवाइड करो, 5 3 15, 5 2 10, 5 9 45।
अब यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, तो आप इसको पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो, 9.67। 666 वो जाता चला जाएगा, इसलिए हम दो ही डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, तो 9.67। ओके, अब देखो क्या करना है। तो एक्स बार बराबर 60 प्लस 9.67, तो जोड़ करके आप लिखो 69.67 जो है, दिस विल बी रुपीज में द एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर। और इसको हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है अर्थमेटिक मीन को। और आप देख सकते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड वाकई में सिंपल है, और इसको आप किसी भी तरह के क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर यूज़ करोगे तो आपका आंसर जो है वो हर बार सही आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज के डिस्क्रीट सीरीज के केस में अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को ही डिस्कस करेंगे, बट मेथड अब की बार हम चेंज करके देखेंगे। फर्स्ट मेथड हो चुका है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड हम देख ही रहे हैं शॉर्टकट मेथड, और थर्ड मेथड रह गया है विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम अब अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप सब अपना काम नहीं भूलेंगे, आप सबका काम है प्रैक्टिस करते रहना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे बाय योरसेल्फ, आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो क्वेश्चंस के कंप्यूटेशन से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये काम आपको कंटिन्यूटी में करते रहना है। थैंक यू।